तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति बुरीदा जना। मार्था और मेरी का प्रसंग हो रहा था। ईसा मसीह का जीवन मुद्रित करते हुए मास्टर मशाई ने श्री रामकृष्ण के कहा कि यीशु के जीवन में ऐसी हुई थी, दोनों बहन ईसा मसीह का अपहरण किए थे और उसमें से मेरी यीशु के पैर में बैठ के उनका वाणी सुन रहे थे, जबकि मार्था पूरा गृहकर्म समापन करके मेरी को नहीं देखते हुए शिकायत किया। तब ईसा मसीह जो बोला था वही मास्टर मशीन उद्धृत किया। कि मार्था मार्था यू आर केयरफुल एंड ट्रैवल अबाउट मैनी थिंग्स इन लाइफ, बट देयर इज वन एसेंशियल नीडफुल, देयर इज वन नीडफुल, देयर इज वन थिंग नीडफुल, मेरी हैथ चूजन दैट पार्ट विच शैल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। यद्यपि तुम नाना प्रकार का सांसारिक दायित्व में नियुक्त हो, लेकिन जो संसार में अवश्य करणीय है, प्राथमिक कर्तव्य है, वो मेरी संभाल रहा है। वो क्या है? वह है ईश्वर के साथ संयुक्ति। There are two items in this life, one is secular, another is spiritual. भगवान के लिए जो कर्म किया जा रहा है वो भी पवित्र कर्म है। ईसा मसीह ने यहाँ पर मार्था को कोसा नहीं, ही डिड नॉट कॉन्डेम मार्था फॉर डूइंग हर वर्क, वो तो अच्छा ही कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जब संसारिक कर्म में ठाकुर जी के कर्म में व्यापित हो जाते हैं, ये भी पुण्य कर्म है, लेकिन दो बार उच्चारण करते हुए चेतावनी देते हुए ईसा मसीह ने कहा बट देर इज वन थिंग नीडफुल, इसके सिवा भी जो सबसे जो एसेंशियल थिंग है, जो करणीय है, विच कैनॉट बी डिस्पेंस्ड विथ, एक्सट्रीमली एसेंशियल वो है ईश्वर के साथ संयुक्ति। हमारे जीवन में दो पार्ट होता है, एक हम ईश्वर की आराधना करते हैं एवं ईश्वर के दिया हुआ कर्म करते हैं। कर्म और उपासना में संतुलन होना चाहिए। एक कमेंटेटर ने उल्लेख किया, वी शुड बी लिटिल लेस मार्था एंड लिटिल मोर मैरी इन आवर लाइफ, अर्थात हमें सांसारिक कर्म उतना माइन्यूट वन से ध्यान देने के परिवर्त आंतरिक भगवान चिंतन के लिए और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें के बैलेंस, लेकिन बात यह है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें जीवन में है वो है ईश्वर प्रसंग, ईश्वर के साथ संयुक्ति, ईश्वर के चिंतन।
वो कभी भूलना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में एकदम ऐसी एक घटना हुई थी जिसका हम उल्लेख किए थे, जो वचनामृत में शोकातुर ब्राह्मणी ग्रीफ स्टिकिंग ब्राह्मण वुमेन का बारे में बताया मास्टर महाशय, वो है गुलाब माँ। गुलाब माँ भी एकदम इसी तरह उनके घर में भी श्री रामकृष्ण गृह में श्री रामकृष्ण पदार्पण किए थे। यहाँ पर ईसा मसीह के जीवन में हमने बताया मार्था और मेरी बिठानी में रहते थे। जब ईसा मसीह जेरिको में आए थे नज़दीक में, संभवतः जेरिको से ही उन्होंने बिठानी में इनका घर में पधारे थे। पहले संवाद भी भेजा था, ये सुनते ही मार्था सब बंदोबस्त किया, आयोजन किया। जबकि मेरी ने सिर्फ ईसा मसीह के चरण में बढ़ गया। यहाँ पर भी जब शोकातुरा ब्राह्मणी का घर के बगल में पल्ली में नंद बसु का घर में श्री रामकृष्ण आए थे, एवं इनके घर में पदार्पण करने के बाद गोनूर माँ गोनू की माँ के घर होकर बलराम भवन में चले गए। लेकिन यहाँ पर जब वो आए थे नंद बसु का घर में, तब खबर पहुँच गया। हम जानते हैं शोकातुर ब्राह्मणी क्यों शोकातुर थे, गुलाब माँ बड़ा दुखी थे, उनका अल्प वयस में ही उनका पति का देहांत हो गया, विधवा हो गए। उनके एक पुत्र और एक कन्या था, पुत्र भी शैशव में ही गुजर गए। एक कन्या था चंडी, बड़ा सुलक्षणा सुंदरी थी, और उनको कलकत्ता का संभ्रांत परिवार सुरेंद्र मोहन ठाकुर से उनका शादी करवाया। लेकिन चंडी का भी कन्या का भी देहांत हो गया, तो ये चरम शोक के भीतर हम जब हताश हो जाते हैं, तब कभी कभी आशीर्वाद रूप से हमारे जीवन में आते हैं। इस मुहूर्त में श्री राम कृष्ण का आविर्भाव हुआ उनके जीवन में। शोक के कारण वो अपने पल्लीवासी जोगिन माँ को लेकर श्री राम कृष्ण के पास आए और उनका शांति मिला, और श्री ठाकुर ने उनको वचन दिया तुम्हारा घर में मैं आएंगे। तो दंदबसु का घर में होके जाएंगे। जब घर में पहुंच गया, तब तक वो बड़ा व्याकुल होकर इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। और जब विलम्ब हो रहा है, तब वो फिर चलकर देखने के लिए गया। क्यों? सोचा शायद नहीं आएंगे, इतना बेचैन हो गए शायद नहीं आएंगे। तो ये भी सोचा, इसके बाद बताया अगर आप नहीं आते तो हम ये सारे सामान हम गंगा में फेंक देते हैं और दूर से जाकर प्रणाम करके चले जाते, ऐसी व्याकुलता हुआ। फिर जब उन्होंने निकल के इसके बीच में श्री रामकृष्ण आके पधारे और छत में उनका बहन उनका आप्यान करके उनको बैठने का बंदोबस्त किया, ठीक है इसी तरह। और उनको देखते ही जब इसके थोड़ा देर बाद गुलाब माँ आए वहाँ पर, और श्री राम सिंह को देखते ही आनंद में भरपूर हो गए, मतवाला हो गए। वो कहते हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि स्वयं श्री राम कृष्ण हमारे घर में पधारे हैं। तो ये इतना भी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को लॉटरी में 1 रुपया से लॉटरी का टिकट खरीदा था और 1,00,000 रुपया उनके इनाम मिला। तो ये सुनकर उतना इतना आनंद हुआ, उनका छाती फट गया, हार्ट अटैक हो गया और मर गए। मेरा भी ऐसी इतना आनंद हो रहा है, अगर आप लोग आशीर्वाद करें नहीं तो मैं भी अभी प्राण त्याग हो जाएगा। मैं इतना सुख इतना आनंद मैं हमारे भीतर रखने में असमर्थ हूँ, इतना आनंदित हुई। और वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा समझ में नहीं पा रहा है।
इसी के बीच उनका बहन चात्मा के उपस्थित हुआ। उन्होंने कह रहे हैं सही सेम चीज, दीदी तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हो लेकिन तुम नीचे आओ, हमें थोड़ा मदद करो, हम अकेला हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसे वो पाने हो नहीं पा रहे। सेम थिंग है, बट भी मार्था के यीशु की निवेदन किया था कि बी रेडी टू कम एंड हेल्प मी, उनको आदेश करिए हमें वो मदद करें। लेकिन गोलाब माँ ठाकुर को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए उनका बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो मास्टर मशाय ये घटना उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ईसा मसीह के जीवन में भी अनुरूप घटना हुआ था। जो दो बहन का जो कहानी, इधर भी गोलाब महान इसका बहन का एक ही चित्र हुआ। और भक्तगण, मास्टर महाशाय एवं विशिष्ट भक्तगण ये देखकर आनंद में भरपूर हो गया। मास्टर महाशाय अग्रसर होकर इनका भक्ति देखकर गोलाब माँ का उनका चरण स्पर्श करने के लिए गया, लेकिन गोलाब माँ उसको स्वीकार नहीं किया, पर मास्टर महाशय के प्रणाम करके वो प्रति नमस्कार किया। अर्थात भक्ति के प्राबल्य में जो भक्तगण आप्लुत हो जाते हैं, और भगवान वो भक्ति ही चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्यम जो मैं भक्ता प्रजच्छति। तो ये जो उनका जो भक्ति का जो दिया हुआ चीज मैं ग्रहण करता हूँ, तो हमें भगवान को जैसे कि मार्था ने चाहा अनेक प्रकार का बंदोबस्त करके उनका अपमान करना, ये भगवान का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ भक्ति ही मांगते हैं। हमारे जो भगवान के प्रति निवेदन वो बराबर अटूट रहना चाहिए। ये जो भक्तगण के प्रति भगवान का जो निर्देश वो देखते हुए हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस आर ओवर बिजी विद वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ एंड फॉरगेटिंग द मोस्ट एसेंशियल थिंग जिसके लिए हम धर्म में आए हैं। इस जगत में हम आए हैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए, वो प्राथमिकता होना चाहिए। और ईश्वर जब का साथ हमारे जब प्रसंग होता है उसको भी प्राथमिकता देना चाहिए, जो कि गोलाब माँ ने दिया था। उनका भगनी शी हैज हार्डली एनी टाइम टू सीट विथ श्री रामकृष्ण, एकदम प्राथमिक उनको आप्यायन करके नीचे चले गए। बिजी इन द होस्टिंग द एंटायर मैटर, सबको अपमान कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब भगवान आके पधारे हैं वही प्रधान सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, कि ईश्वर ही हमारे जीवन में प्रधान आकर्षण है, प्रधान लक्ष्य है। जब भगवान आके पधारेंगे तो हमें नहीं करना कहना चाहिए जहाँ बैठे हम दूसरा कुछ काम करें। मुझे संगीत में रविंद्र संगीत में कहते हैं, यदि कोनो दिनों तुम्हारो आशो ने आर कहारियो ओषाई जतो ने चिरो दिवसिरो हिराजा मारो फिरिया जीवन को। भगवान आके उपस्थित हुए हैं लेकिन हम जो उनको अटेंड करने का हमारा समय नहीं है, हम दूसरे कुछ में बिजी है। जब आपका श्री राम कृष्ण गाने का बात था, घर में आ गया, देन ही टोटल अटेंशन शुड बी गिवन टू हिम, ऐसे ही। तो लेकिन गोलाब माँ का बहन आप्यायन में जुड़ गए और गोलाब माँ को बुला रहे हैं, वैसे ही मार्था का बहन आप्यायन में जुड़ के मेरी को बुलाया था, लेकिन ईसा मसीह जी से मेरी को बुला था, एंड शी हैथ चोजन दी गुड पार्ट, जो बेहतर है जीवन में वही चुन लिया। वैसे ही हमारे जीवन में
भगवत प्रसंग, भगवत संग वही चुनना चाहिए। दैट शुड बी गिविंग ए प्रेफरेंस, प्राथमिकता। इस प्रसंग को और भी हम अगले दिन बताएंगे, दूसरा कोई एपिसोड है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।